ये तो चाइना इज अ सुपरमैन वाला जो पूरा ड्रामा है ना, वो तो इंडिया ने फुस कर दिया। चाइना भी वहां पे अपना बिल्डअप करता रहा है, उन्होंने ट्रक्स रखे, लेकिन भारत ने बड़ी महारत के साथ, और मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डअप किया है। देखिए पॉलिटिकल स्टंट है कि नहीं, चाइना में तो पॉलिटिक्स होती नहीं, तो चाइनीज को कैसे पता है पॉलिटिकल स्टंट है? वो तो अथॉरिटेरियन रजीम है, उन्होंने कुत्ते बिल्लियां खानी है, कीड़े मकोड़े उन्होंने खाने और अपने बंदों को थप्पड़े मारनी है उनको। पता है कि एक टेक्नोलॉजिकल एज है भारत को इस वक्त एक चाइना के ऊपर, चाइना टेक्नोलॉजिकली गालिबन इस वक्त थोड़ा पीछे है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव को कम करने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक 5 सूत्री समझौता मास्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के दरमियान हुआ था, और दोनों पक्ष अभी तक उसका पालन कर रहे हैं। पर चीन चालबाज देश है और उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत सरकार लगातार भारत चीन सीमा पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसी क्रम में अभी हाल में ही अटल टनल का उद्घाटन किया गया, जो हिमाचल के रास्ते लद्दाख की दूरी को कम करेगा तथा इसका उपयोग बर्फबारी के समय भी किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण और फिर 2 दिन पहले रुद्रम का परीक्षण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के क्रम में ही माना जा रहा है। अब इस स्थिति को पाकिस्तान की मीडिया भी स्वीकार कर रही है और वहाँ के एक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद सोहेब ने भी इस बात को स्पष्ट शब्द में स्वीकार किया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक मिली जुली चर्चा। चाइना वापस नहीं जाता तो इंडिया के पास सर क्या ऑप्शंस हैं? डू यू थिंक क्या वॉर ओनली ऑप्शन है? एक हुआ है बड़ा, चाइना 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 इज नॉट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ ना, जो चाइना के इतने बड़े, चाइना से जो मुतासिर हैं, चाइना के बहुत बड़े फैन हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, चाइना ने पिछली जंग जीती कब थी? चाइना ने पिछली जंग लड़ी कब थी? चाइना के जनरल्स हैं जिन्होंने गोली चलते नहीं सुनी आज तक फायरिंग रेंज के अलावा। आप जाके गूगल में चेक करिए, दे हैव नॉट फॉट, देयर इज नॉट अ बैटल हार्डेंड आर्मी। ये सब देखो, बात ये होती है ना कि आपके आपके बंदों ने, चाइना ने खुद, चाइना की जो पीपल्स डेली है या क्या नाम उसका, ग्लोबल टाइम्स जो है उसका खुद का आर्टिकल है कि इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट माउंटेन फाइटिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, सबसे एक्सपीरियंस्ड। हम लोग तो फॉर एवर लड़ते चले आ रहे हैं ना, जो अभी एरिया है रिजांगला का, मेरी रेजिमेंट ने 1962 में वहां पे लड़ाई लड़ी थी, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी 1962 में, तो 1962 में थे ना वहां पे, तभी तो लड़ी थी, तो हम तो उसके पहले से हैं। तो चाइना तो अभी बंकर बना रहा है, विंटर काटेगा, वो जब काटेगा तब देखेंगे, जब काटेगा ठीक, हम तो 60-70 साल से काटते आए जनाब। चाइना इंडिया के अंदर नहीं आया, बट हमारी जो अग्रीमेंट है चाइना के साथ, जो चाइना ने फाड़ के फेंक दी, जो हमारी रिटन अग्रीमेंट चाइना के साथ है, दरअसल वो रिटन अग्रीमेंट कहती है कि आप इधर नहीं आ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि चाइना ने हमारी टेरिटरी वायलेट करी है, हम कह रहे हैं कि चाइना ने जो अग्रीमेंट साइन करी थी वो अग्रीमेंट वायलेट करी है चाइना ने, पहली बात, ठीक है सर, खुद की अग्रीमेंट कि हम लोग इसी, ये हम ये मानते हैं कि एरिया हमारा है लेकिन हम यहां पे नहीं आएंगे, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, 5 अग्रीमेंट ऐसी साइन हुई। ये तो चाइना इज अ सुपरमैन वाला जो पूरा ड्रामा है ना, वो इंडिया ने फुस कर दिया कि चाइना इज अ सुपरमैन। तो अगर कोई ये बोले कि साहब चाइना सुपरमैन है, तो भाई चाइना किसी भी तरीके का, पहली बात, सुपरमैन है नहीं, ठीक है, चाइना की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर कोई ये बोले कि साहब चाइना आ रहा है और साहब चाइना तो चाइना आ रहा है और साहब सब लोग डर के मारे ऐसे खड़े, वो सब नहीं हो सकता। पेंगोंग का इलाका जो कि झील पेंगोंग के साउथ में, वो एक प्रीएम्प्शन के तौर पे, प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पे भारत ने वहाँ पे शंग्रीला रिज, जो रिज लाइन है उसको कब्जा किया, और वहाँ पे 2 बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट्स हैं और बड़े डोमिनेटिंग हैं, वो उन्होंने ले लिए, संभाले, और चाइनीज को वार्निंग दी कि अगर इस तरफ आए तो फिर जंग होगी, फायर किया जाएगा। चाइनीज ने वो इलाके वापस नहीं लिए, वो अपने कंटोनमेंट में ही हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि भारत की पोजीशन यहाँ पे काफी मजबूत है। चाइना भी वहां पे अपना बिल्डअप करता रहा है, उन्होंने ट्रक्स रखे, लेकिन भारत ने बड़ी महारत के साथ, और मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डअप किया है।
भारत अगर चाहे तो यहां से ऑपरेशन अपने शुरू कर सकते हैं। और फिर इसकी सिग्निफिकेंस इसका यह है, चाइनीज के साथ आप बार्गेन कर सकते हैं, भारत की पोजीशन मजबूत हो सकती है कि वो बार्गेनिंग करे और वहां जाए जहां तक पहले थे हम, और हमसे ये इलाका वापस ले लें। जी अच्छा, तो सर जिस तरह आपकी बातों से ये लग रहा है कि चाइना अपने इलाके में ही है, तो फिर उनसे डिसएंगेजमेंट की क्यों बात हो रही है? उसका मसला है, मसला यह है कि ये जो ये PP-14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का वाकया है गलवान का, जिसमें हमारे लोगों ने जाने दी, वीरगति को प्राप्त हुए हमारे लोग 20 लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग कर्नल बाबू। तो इसमें दो तीन चीजें हैं, राइट। सबसे पहली चीज है अधर साहब कि उन्होंने भारत में अंदर आने की कोशिश करी, टेंट लगाने की कोशिश करी, हमने टेंट उखाड़ के फेंक दिया, वो टेंट को जला दिया और वहां पर लड़ाई हुई। आप हमारे मुल्क के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, दाम देना पड़ेगा, और चीनों ने भी दिया। नाउ अब चीनी ने तो मना कर दिया, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आएगी जी 35 मार दिए, हमारे अकॉर्डिंग 43 मारे, पर जितने भी मारे 43 मारे या जो भी XYZ मारे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना चाइनीज का बड़ा जबरदस्त इसमें नुकसान हुआ था। चाइनीज ने तो मना कर दिया कि साहब हमारा तो एक भी नहीं मारा, हमारे तो बंदे सब जैकी चैन और ब्रूस ली हैं, एक चिल्ला के एक फ्लाइंग किक मारी और वहां पर चार इंडियन जमीन पर गिर गए। अब हमने अपने बंदों के लिए मेमोरियल बनाया है, हमने अपने बंदों के लिए मेमोरियल बनाया है, हमने अपने बंदों को ऑनर करा है। चाइना ने अपनी कैजुअलिटीज छुपाई हैं। आप खुद सोचिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मैं तो दूसरे मुल्क के हवाले से बोल रहा हूं, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें छोड़ दीजिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं एक चीज हुई है इसकी, अदर साहब देखिए अच्छा। अगर उसको ये लगता है जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो काफी लोगों ने बोला, कुछ इसमें इंडियंस भी शामिल थे, कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे, जिन्होंने बोला जी अब तो लद्दाख गया। जब ये बोल रहे थे लद्दाख गया तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि उस समय मैं लद्दाख में ही था। अब चाइना अच्छा। क्या कर रहा है? आपने अतर साहब एक मिनट, आखिरी चीज बड़ी मजे का, आपने सुना ना भाई पंजाबी गाने सुना रहे हैं वहां पे, सुना आपने ये? जी मैंने सुना, बिल्कुल सुना। मुझे समझ में अच्छा, एक तो उनको लगता है कि इंडिया में सभी पंजाबी हैं। अरे वहां पे आप सोचो, मद्रास रेजिमेंट वाला अगर वहां पे है, बाय द वे एक बात बोल रहा हूँ, या वहां पे गुरखाली है या कुमार, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों द्वारा चीन के जो 24 महत्वपूर्ण सामरिक चोटियों पर कब्जा कर लिया गया है, जहां से चीन के हर एक हरकत पर नजर रखी जा सकती है, तब से चीन के होश उड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जापान में क्वाड संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें भारत के अलावे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इन क्वाड संगठन के देशों ने खुलकर चीन को चेतावनी दी और भारत को सब प्रकार से समर्थन देने का वादा किया। तब से चीन अब कह रहा है कि भारत सीमा पर यथास्थिति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, लेकिन इसके पहले उल्टा होता था। भारत ही चीन से कहता था कि आप सीमा पर तनाव कम करें, यथास्थिति बनाए रखें। अब भारत की असली ताकत विश्व के सामने प्रकट हुई है और जिससे चीन डरा हुआ है। भारत आज एक सक्षम देश है, सबल देश है और अपनी सीमा का हिफाजत करने जानता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।